नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है जूनियर इंजीनियर कैसे बने, कैसे कोर्स, क्या कोर्स करें, कितनी पढ़ाई करें। दोस्तों, आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जूनियर इंजीनियर, तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर के लिए क्या करना पड़ता है मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। 10वीं 12वीं पास या आईटीआई पास के बाद आप पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा प्राप्त कर जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। पॉलिटिकल जूनियर इंजीनियर कोर्स पूरे 3 साल का होता है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट बचपन से ही जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि 10वीं पास के बाद पॉलिटेक्निकल इंजीनियर करना चाहिए या 12वीं पास के बाद करना चाहिए। लेकिन यदि वो 10वीं पास के बाद पॉलिटेक्निकल इंजीनियर करते हैं तो उनके लिए बेस्ट होगा। तो जो लोग यानी जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो 10वीं पास के बाद पॉलिटेक्निकल इंजीनियर करें, बेस्ट रहेगा उनके लिए। इसके लिए 10वीं में अच्छे अंक के साथ पास होना बेहद ज़रूरी है। 10वीं में आपको बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आप बन सकते हैं। कौन कौन से कोर्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग इन प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इतने सारे जो है आप में कोई भी आपके पसंद का जिसमें आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, यदि आप ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में 150 सवाल पूछे जाते हैं। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। स्टूडेंट यदि 10वीं की कक्षा में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश विषय में अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो इस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अच्छी तैयारी करें, साइंस की अच्छी तैयारी करें, मैथ्स की अच्छी तैयारी करें, इंग्लिश की अच्छी तैयारी करें और उसके बाद जो है आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको सरकारी इसमें जो है आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। अपने पसंद का जो भी कोर्स मैंने इतना सारा बताया इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, ये 3 साल का कोर्स होता है, आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी है।
और अच्छे अंक में पास होना है ताकि आगे अच्छी जॉब मिल सके, गवर्नमेंट जॉब मिल सके। इसमें आपको जितना अधिक परसेंटेज मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा है। आप शायद भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए परसेंटेज की कितनी वैल्यू होती है। वेतनमान, जूनियर इंजीनियर का वेतन कितना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जूनियर इंजीनियर अर्थात JEE को उसके जॉब के अनुसार ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। हर क्षेत्र में इसे अलग अलग सैलरी मिलती है। कुछ जानकार के मुताबिक एक जूनियर इंजीनियर प्रतिमाह जो है 20 से 50,000 के बीच तक सैलरी प्राप्त करता है। शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे इनका अनुभव और अवधि बढ़ती है वैसे वैसे इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर जिसे हम कहते हैं, ये मैंने आपको जो जानकारी दी है ये उसी के लिए है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जो जानकारी दी उसको मैं एक बार विस्तार से फिर से बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो आपको अगर जूनियर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास करना है, वो भी मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स। इसमें बहुत अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। परसेंटेज अच्छे हो गए तो आप 10वीं की पढ़ाई, 10वीं के एग्ज़ाम जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप जो है पॉलिटेक्निक जो है जिसे हम PMTB कहते हैं, PET कहते हैं, आप किसी भी इसमें कर सकते हैं। तो 10वीं के बाद आप चाहे तो पॉलिटेक्निकल कर सकते हैं और इसके लिए आपको परसेंटेज आना बहुत अच्छी है और इसकी तैयारी बहुत ही आसान है दोस्तों। 10वीं की जो है बुक से उसकी अच्छी से तैयारी कर लें, उससे ही आपको रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, चाहे तो आप कोचिंग सेंटर का जो है सहारा ले सकते हैं। इससे ये होगा कि कोचिंग सेंटर में आपको निश्चित समय के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बता देंगे, क्या पैटर्न होता है। इसकी तैयारी में एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि पिछले 5 से 8 साल का जो है आप पेपर जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क मिले। तो इसकी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। 10वीं के बाद सीधा पॉलिटेक्निकल करना, वो भी 3 साल का कोर्स है, तो जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे और इतने सारे पद हैं दोस्तों, आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मेहनत यही आपको करनी है कि 10th जो है आपको, पहली बात तो 10th में ही इतने अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्या मैथ्स और इंग्लिश और जो है फिजिक्स इसमें, कि इसके आधार पर आप आगे जो फाइट कर सकें। 3 साल का कोर्स है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी आजकल के इसमें दौर में जो है बहुत सारे पॉलिटेक्निकल जो है वो प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या है कि प्राइवेट में जो है पैसा बहुत मात्रा में लगता है, जिसको करना संभव नहीं है। मन चाहे लोन फीस ले लेते हैं क्योंकि प्राइवेट होता है। तो मेरा आप लोग से यही ये है, गुजारिश है कि आप लोग जो है पहले 10वीं में खूब मन लगा के पढ़े, ट्यूटर पकड़े, ट्यूशन पकड़े और ट्यूशन करें, और जो मैथ्स, फिजिक्स और जो इंग्लिश इस पे आप एकदम मजबूत पकड़ बनाएं, ताकि आप पॉलिटेक्निकल आसानी से कर सकें और जो है नौकरी आप आसानी से पा सकें। आजकल तो बहुत सारी जो है पोस्ट निकली हुई है जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आप भी जो है इसकी तैयारी कर लें। शुरू से ही आपको ये एक सेट करना पड़ेगा पढ़ाई करते करते कि मुझे जो है ये बनना है और 10वीं के बाद ये एग्ज़ाम दूंगा, इससे क्या दिमाग एकदम सेट हो जाएगा। जैसे 10वीं आप पास करते हैं उसके बाद तुरंत जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद ही आपको ये कदम उठाना है, लेकिन तैयारी आपको पहले से करनी है, एन वक्त पर आपको तैयारी नहीं करनी है। तो पहले से अगर तैयार रहेंगे तो आपको आसानी होगी और आप निश्चित रूप से जो है आप जो है इसको पास कर लेंगे। 150 सवाल होते हैं, आसानी से आप सीख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये भी कहना चाहूँगा, आसपास कोई बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर हो जहाँ पे पॉलिटेक्निकल के लिए तैयारी करवाते हो तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्या है कि उनका काम ही यही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको मालूम है, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस रहता है, उनके पास टीचर होते हैं, तो वो जो आपको बताएंगे कि जो है किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से वो सॉल्व करवाएंगे, उतने निश्चित समय में सॉल्व करवाएंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो कम से कम जो है आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा।
जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा दोस्तों, और नहीं तो आप अपने मर्जी से कीजिए, क्योंकि ये जो है सिर्फ टिक मार्क लगाना है आपको एग्ज़ाम में और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।